पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संघर्षशील और लोकप्रिय कहे जाने वाले उम्मीदवार दिनेश राजौरिया भी इस बार चुनाव मैदान में हैं और चुनाव चिन्ह कार पर वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। गांव जैतिया सादुल्लापुर के ग्राम प्रधान के पद पर उम्मीदवार बनकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं और उनका कहना है कि यदि क्षेत्र की जनता के साथ दिया तो वो बिना भेदभाव के क्षेत्र का विकास करेंगे। भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और जैसा मुझे उम्मीद थी अपेक्षा थी उससे भी बढ़कर मुझे समर्थन मिल रहा है। अच्छा, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या काम करने वाले? मेरे विकास के मुद्दे जाति पाति से ऊपर उठकर गांव का चहुंमुखी विकास, यही मेरे मुद्दा है। गांव में आपस में सांप्रदायिक माहौल बनाना, भाईचारे की भावना कायम रखना, ये मेरा प्रमुख मुद्दा है। गाँव के वंचित गरीबों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को न्याय दिलाना और यही प्राथमिकता है। क्या लगता है कि अभी कौन क्या काम रह गए अभी अधूरे जो होने बाकी हैं? काम काफी रह गए हैं। गांव में घुसने पर जो सड़क है, सड़क टूटी हुई है, जीर्ण शीर्ण है। मैंने काफी प्रयास किए और लोगों से भी कहा, जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी बोला, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। इसी को लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। किस तरह का समर्थन है लोगों का, क्षेत्र की जनता का, गाँव के लोगों का? पूरी मेरे व्यक्तिगत विचार पर, मेरी सेवा भावना को देखकर, त्याग बलिदान को देखकर सब लोग मेरे साथ हैं और सबका भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। क्या अपील करेंगे गांव के लोगों से? मैं अपील करूंगा कि आज तक जो गांव में नहीं हुआ है, जो सुविधा गांव में नहीं मिल पाई है, जो वंचित लोग रह रहे हैं, उनका सेवा करना मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्या चुनाव चिन्ह रहा है अपने बारे? मेरे कार का चुनाव चिन्ह है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।